सीजन 13 का फिनाले हो चुका है, तो वहीं यहां पर विनर बने सिद्धार्थ शुक्ला और रनर अप रहे आसिम रियाज। यहां पर देखा जाए तो रश्मि देसाई फोर्थ नंबर पर थी, तो थर्ड नंबर पर थी शहनाज गिल। वेल फ्रेंड्स, ये सभी कंटेस्टेंट लगातार ग्रैंड फिनाले में आप सभी को नजर आए और शो के शुरुआत से लेकर आप सभी को एंड तक इन्होंने एंटरटेन किया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जब सभी कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में थे तब लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किए जा रहे थे, लेकिन शो के बाद भी लगातार इन सभी को ट्रेंड किया जा रहा है। ऐसे में ये ट्रेंड कहां तक पहुंच गया है ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। जानकारी के लिए दर्शकों बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है। वहीं सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए तमाम फैंस अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि इस ट्रेंड में लगातार लोगों ने तमाम ट्वीट्स किए हैं रश्मि को लेकर, तो वहीं आसिम को लेकर भी किए हैं। यहां पर रश्मि आसिम को काफ़ी सपोर्ट किया है उनके फैंस ने। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ट्वीट्स की बरसात हुई है, तो वहीं विनर बने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर भी लोगों की फैन फॉलोइंग कम नहीं दिखी। ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर ट्वीट्स की, तो आखिरकार कौन सबसे आगे निकला और रश्मि और आसिम को लेकर ऐसी क्या बैड न्यूज है, ये हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताने जा रहे हैं। देखिए हमारे ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार बिग बॉस सीजन 13 के समय पर ये कंटेस्टेंट ट्रेंडिंग में बने हुए। ऐसे में यहाँ पर फिनाले खत्म हो गया, तो इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर लगातार इन कंटेस्टेंट को लेकर तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए यहां पर यूजर्स अपने सेलिब्रिटीज को लेकर काफी रिव्यूज देते हुए देखे जाते हैं। ऐसे में हाल ही में खबरें आई हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए किस कंटेस्टेंट ने जंग जीत ली है। यहां पर आसिम रियाज हैं, तो वहीं विनर सिद्धार्थ शुक्ला भी हैं। इन दोनों के बीच में लगातार जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं रश्मि देसाई, शहनाज गिल और हिमांशी खुराना भी इस लिस्ट में आ चुकी हैं। वेल, आपको बता दें कि बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की लोकप्रियता खत्म नहीं हो रही है। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार सामने आया है कि सिद्धार्थ के बारे में सबसे अधिक ट्वीट्स किए गए, जबकि आसिम रियाज यहां पर सेकंड नंबर पर नजर आए। जी हां, खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला न सिर्फ सबसे चर्चित कंटेस्टेंट रहे हैं, बल्कि उनको कई बार यहां पर सबसे ज्यादा ट्वीट भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस सीजन 13 हिट रहा 2018 में तब 41 मिलियन ट्वीट्स के मुकाबले 2019 में 105 मिलियन ट्वीट्स किए गए हैं। वहीं यहां पर आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो ये गणना 1 जनवरी 2020 से शो के फिनाले 15 फरवरी 2020 के बीच की है। वेल फ्रेंड्स, यहां पर इन तमाम दिनों के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला जीतते हुए नजर आए। इन आंकड़ों के साथ बिग बॉस सीजन 13 ट्विटर पर सबसे अधिक चर्चित शो तो बना ही, वहीं अब तक के सीजन में काफी हाईलाइट रहा ये वाला सीजन। सिद्धार्थ शुक्ला यहां पर काफी मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर उभर कर आए, तो वहीं यहां पर रनर अप रहे आसिम रियाज। आसिम रियाज यहां पर सेकंड नंबर पर हैं, यानी कि दूसरे स्थान पर। लेकिन यहां पर अगर बात की जाए रश्मि देसाई के बारे में, तो रश्मि देसाई भले ही शो में चौथे स्थान पर रही हूँ, जी हाँ, रश्मि देसाई शो से बेघर हुई लास्ट में जाकर, वो भी फोर्थ नंबर पर। लेकिन अगर यहाँ पर ट्वीट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो ट्वीट्स के मामले में रश्मि देसाई आई हैं यहाँ पर थर्ड नंबर पर। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी ने देखा ही होगा कि फिनाले में शहनाज तीसरे स्थान पर थी, तो ट्विटर हैंडल अकाउंट पर रश्मि देसाई तीसरे स्थान पर बाजी मार कर ले गई हैं। वेल, फर्स्ट हैं सिद्धार्थ शुक्ला, सेकंड आसिम रियाज और थर्ड हैं रश्मि देसाई। ऐसे में ये खबरें फैंस के लिए बेहद ही निराशाजनक है। रश्मि देसाई के फैंस निराश हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर आसिम के भी। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस वाकई में बेहद खुश हैं। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो यहां पर रश्मि देसाई ने
मात दे दी है शहनाज गिल को। शहनाज गिल इन दिनों आप सभी को एंटरटेन करती हुई नजर आ रही हैं अपने स्वयंवर में, और यहाँ पर उसकी वजह से वो काफी पॉपुलर भी होती जा रही हैं। लेकिन ट्विटर हैंडल अकाउंट पर रश्मि देसाई आगे बढ़ चुकी हैं, और वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ये खबरें आ रही थी कि वो शो के फिक्स्ड विनर है। लेकिन भले ही वो फिक्स्ड विनर के तौर पर लोगों के बीच बने हुए हैं, लेकिन ट्विटर हैंडल अकाउंट पर उन्होंने सभी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ दिया है और सिद्धार्थ शुक्ला निकल चुके हैं आगे। ऐसे में ये खबर रश्मि देसाई और आसिम के लिए बहुत ही बुरी साबित होती है। जी हाँ दर्शकों, देखा जाए तो रश्मि देसाई को लेकर भी तमाम ट्वीट्स किए गए, आसिम को लेकर भी कई सारे ट्रेंड चले, लेकिन यहाँ पर नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला नंबर वन पर। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये तीनों ही कंटेस्टेंट सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, और यहाँ पर इन तीनों की कट्टर दुश्मनी की चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से रश्मि आसिम रह गए पीछे सिद्धार्थ शुक्ला से। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला शो के विनर बने, इसमें भी पीछे रहे, तो वहीं सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि ट्विटर पर भी ये दोनों यहाँ पर इनसे पीछे रह गए। भले ही इनको फिक्स्ड विनर कहा जा रहा हो, लेकिन रश्मि आसिम फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला से आगे नहीं निकल पाए। ट्विटर हैंडल अकाउंट पर सबसे ज्यादा सर्च किए गए सिद्धार्थ शुक्ला, तो वहीं आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से लगातार जो ट्वीट्स किए गए, कभी सिद्धार्थ के सपोर्ट में तो कभी रश्मि के, तो वहीं आसिम के। ये सभी ट्वीट्स सपोर्टिव हैं इन कंटेस्टेंट के, लेकिन यहाँ पर फैंस ने इतनी जीजान लगाई, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ शुक्ला सबसे आगे निकल गए। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस बेहद खुश हैं, लेकिन यहाँ पर रश्मि और आसिम के फैंस के लिए ये बुरी खबर है। भले ही देखा जाए तो रनर अप रहे आसिम रियाज, लेकिन फिर भी फैन फॉलोइंग अभी भी बरकरार है। तो वहीं रश्मि देसाई की फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं है, लेकिन शायद थोड़ा सा पीछे नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला से। वेल, आप क्या कहते हैं इन सभी कंटेस्टेंट को लेकर, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।